हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस समय गणेश चतुर्थी का त्यौहार चल रहा है, तो आप लोगों के साथ एक मोदक की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा, वीडियो को फुल वॉच करिएगा। तो बहुत यानी 5 मिनट में आपके ये जो मोदक है फटाफट बन जाएंगे और आप अपने गणेश जी का भोग लगा लेंगे, तो आप ये फटाफट बना सकते हैं। तो चलिए, बनाने के लिए यहाँ पर आपको क्या करना है, गैस पर पैन रख देना है और गैस को ऑन कर देना है। और इसमें क्या करना है, 2 बड़े चम्मच घी डाल देना है और घी अच्छे से जब गर्म हो जाए, मेल्ट हो जाए, तो इसमें आपको क्या करना है कि यानी जो नारियल होता है, घिसा हुआ नारियल, वो लेना है। 1 कप यहाँ पर लिए हैं नारियल। आप चाहें तो घर में भी यानी जो मिलता है गरी, तो उसको भी लेके घिस के और इस तरह यानी इस तरीके से बना सकते हैं। तो इसको हम थोड़ी सी रोस्ट कर लेते हैं, यानी 2 मिनट तक यानी मीडियम फ्लेम पर चला देते हैं। तो देख सकते हैं इसका हल्का कलर चेंज हो जाएगा। तो फिर इसमें हम मिल्क पाउडर डालेंगे, इससे क्या होगा और टेस्ट इसका बढ़ जाएगा मोदक का। तो यहाँ पर 1/2 कप मिल्क पाउडर डाले हैं, ज़्यादा नहीं डाले हैं, और इसको भी अच्छे से चला देते हैं। और गैस को यहाँ पे मीडियम ही रखना है। फिर इसके बाद इसको चलाने के बाद आपको क्या करना है कि दूध लेना है। दूध आपको यानी एक जैसे 1 कप लिए हैं, तो 1 कप हम इसमें दूध ले लेते हैं और इसको अच्छे से मिला देते हैं, ये देखिए। और गैस के यहाँ पर कर देंगे हाई। और इसमें अब क्या, मीठे के लिए आपको डालना है शक्कर, शक्कर लेना है, शक्कर इसमें डाल दीजिए। यानी मीठा आपको कम ज़्यादा अगर करना है तो कर सकते हैं, जैसे 1 कप ले लीजिए। अगर आपको ज़्यादा मीठा खाना है, कम खाना है, तो 1/2 कप ले लीजिए। तो यहाँ पर हम 1/2 कप लिए हैं, ज़्यादा हम नहीं यानी मीठा करे हैं। तो इसको अच्छे से शक्कर को मेल्ट होने तक चला लेते हैं। देखिए, अच्छे से शक्कर भी मेल्ट हो गई है और दूध भी जो था डाले थे तो अच्छे से पक गया है एकदम से। अब ये जो है, तो अब गैस को यहाँ पे मीडियम कर देना है और ये भी अच्छे से सिमटने लगा है, देख सकते हैं, ये भी यानी अच्छे से पक गया है। तब कर देंगे गैस को बंद। बंद करने के बाद अब इसको जो है तो हम नीचे उतार लेंगे ठंडा होने के लिए। तो ये देखिए, अब एक बर्तन में हम इसको निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, एक बर्तन में निकाल लेते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हम कोई वीडियो डालते हैं आप लोगों को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो यहाँ पर देखिए, मोदक बनाने के लिए इसको एक बर्तन में निकाल लिए हैं, थोड़ा ठंडा हो जाए जिससे जो है तो हाथ में छू सके। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है तो हाथ में अभी नहीं छू पा रहे हैं, तो थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देते हैं। यानी 5 मिनट के लिए रख दीजिए, ठंडा हो जाएगा, ऐसे फैला दीजिए तो आसानी से ये ठंडे हो जाएंगे। और फ्रेंड, आप घर में ही आसानी से ये मोदक बना के, अगर आप भी गणेश जी के भोग लगाते हैं तो आप भी ये नारियल का बना के मोदक भोग लगा सकते हैं गणेश जी का। तो यहाँ पर मोदक बनाने के लिए आपको मार्केट में ये मिल जाते हैं, बहुत यानी सस्ते मिल जाते हैं, आप ले सकते हैं मार्केट से। तो एक मेरे पास ये वाले थे और एक वो मेरा एल्युमिनियम वाला, तो मैं इससे बना रही हूँ, प्लास्टिक वाले से। तो इसको थोड़ा सा आपको क्या करना है कि घी से ग्रीस कर लेना है। तो इसको घी से ग्रीस कर लेंगे सबसे पहले, जिससे जो है तो मोदक जब भी हम बनाएं तो निकालने में जो है तो आसानी हो। तो इसमें चलिए थोड़ा सा ग्रीस कर लेते हैं घी से, जिससे जो है तो चिपके ना इसमें। तो ये देखिए, ग्रीस कर लेते हैं फटाफट। अब फ्रेंड, हमारी वीडियो आप लोगों को ऐसी लगती है ज़रूर बताइएगा। अगर आप को रेसिपी वाली देखना है तो रेसिपी वाले के लिए कमेंट करिएगा, अगर आपको यानी टिप्स वाली देखना है उसके लिए भी कमेंट करिएगा। और बताइएगा आपको कौन से सबसे यानी अगली वीडियो देखना है। तो यहाँ पर देखिए, सांचे में इस प्रकार से हम रख देंगे, भर देंगे, ये देखिए, ये देखिए, तो भर दिए हैं, ये देखिए फ्रेंड। भरने के बाद
अच्छे से भर दीजिए, जिससे जो होता है इसका सेप जो है तो अच्छा है। इसमें थोड़ा सा नीचे से दिख रहा था, नीचे से भी अच्छे से भर देते हैं। ये देखिए भर दिए हैं, और इसको थोड़ा सा अच्छे से दबा देंगे तो जिससे जो है तो अच्छे से पूरा ये इसका सेप जो है तो बन जाए। तो देखिए अच्छे से दबा दिए हैं। अब चलिए इसको ओपन कर लेते हैं, इधर से कर लेते हैं, इधर, हाँ इधर से कर लेते हैं। ये देखिए अच्छे से ओपन हो गया है, सेप भी देखिए कितना अच्छा आ गया है। ये देखिए मोदक का, अब एक प्लेट में रख देते हैं। अब इसी प्रकार से जितने मोदक बनेंगे उतने हम चलिए बना लेते हैं फटाफट। तो मोदक देखिए कितने यानी सरल तरीके से बन गया, फटाफट आपको 5 मिनट भी नहीं लगेगा, जल्दी ये बन के तैयार हो जाएगा और घर में आप आसानी से ये मोदक बना सकते हैं। तो कैसा लगा ये मोदक बनाने का वीडियो फ्रेंड, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अगली वीडियो में फिर आएंगे कोई अच्छी सी रेसिपी लेके, नहीं तो किचन टिप्स लेके ज़रूर आएंगे। तो हमारे वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मोदक की रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।